जी ये यूनिफॉर्म वापस ले लीजिए लाइची जी, हम अब नहीं पहन पाएंगे। इलायची जी? इलायची नहीं, सुनीता जी बोल, इलो के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। सुनीता जी, अभी क्या कर रही है? मैं यहाँ सेल्फी लेने आई हूँ। वो क्या है ना, हमारे ऊपर कोई मुस्कुराता नहीं है, तो सेल्फी लेने आ गई क्यों जी? जे देखिए लाई जी, सॉरी, हमारा मतलब है सुनीता जी, हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया, प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे ऊपर सब कुछ उल्टा होता है, पैर छोड़ के माफी मांग। चीजे, तुझे क्या लगा कि मैं अपने इलू की बेइज्जती भूल जाऊंगी? अरे अब तक मेरे कानों में तेरे वो शब्द गूंज रहे हैं चीजे। सुनिए तो जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती होगी, वो हमें नहीं पता था, आपने तो प्लीज ऐसे दिल से लगा लिया और ऐसा काम कर दिया, प्लीज सॉरी, नीचे चले गए, प्लीज हम आपसे माफी मांग रहे हैं आपके स्टाइल में, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। दिल से नहीं तो क्या गुर्दे से लगाऊंगी? जी, मतलब सुनीता जी, प्लीज 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 ऐसे हंसिए मत, अभी बहुत डर लग रहा है। डराने तो आई हो। जी चाची जी, सेल्फी। हाँ। सेल्फी तो खिंच गई है तेरी जीजे। अब तेरी सेल्फी के मुंह पे हार चढ़ाना बाकी है। डर लग रहा है। प्लीज प्लीज सुनीता जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी प्लीज। तेरी इस अदा पे तो मेरी इलू मर मिटी थी, मेरा भी दिल पिघल रहा है कुल्फी की तरह। जा, जाने देती हूँ तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी इलू को कभी परेशान नहीं करना, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं। पिंटू का नाम लेके तूने मेरे अंदर की राक्षसनी जगा दी है, और अब तो दिल करता है कितना हल्का फुल्का करा दबा दू, दबा दू, करा दबा दू, करा। हाँ हाँ, मेरे पास आ। लाइफ में चंटे हो रखे हैं। चीचा 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 चीचा। कुछ मंगाया था मैंने, लाए हो?
पानी लेके आ रहा हूँ, अभी बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। मुझे प्यास लगेगी तो तेरा खून है ना, उसे पी लोगी। अभी तो तू वो दे जिसके लिए मैं आई हूँ, सोने के झुमके। जी जी जी, आप सोने के झुमके बनवाए थे मैंने, लेकिन डिजाइन पसंद नहीं आया, तो बढ़िया माल बनवा रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया बनवा रहा हूँ, बढ़िया। सोने के झुमके मांगे थे, कोई तेरे दुकान के लेंगे नहीं, मुझसे होशियारी ला, झुमके निकाल। ये क्या है? भूत भगाओ लहसुनिया है, अब कुछ ना कर पाओगी तुम, 9-11 हो जाओगी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये लहसुन जरूर जाएगा तेरे मुंह में। सोने के झुमके तो मैं लेके रहूंगी। सर जी आप? हाँ मैं। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख चिंगम। सर जी पंचम। अरे हाँ जो भी है, बाथरूम में लोग क्या करते हैं? सर जी लेकिन आप हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? तेरा बाथरूम? जी सर जी। ये घर किसका है? आपका। ये बरसाती किसकी है? आपकी। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो मैं अपने बाथरूम में जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं करूं। तू कौन होता है मेरी तफ्तीश करने वाला? मैं तेरी तफ्तीश करूंगा, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हम रियाज करने आए थे। अच्छा, इस माहौल में? वो हमें शांति मिलती, हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ पर, हमें हमें अच्छा लगता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं। क्या बकवास है यार, पता नहीं लाइची जी ने किस मुसीबत में फंसा दिया, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने सुनीता जी के सामने लाइची जी की बेइज्जती कर दी, पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा। ऊपर से एक घटिया विग और एक घटिया बाल। आपने हमें फिर से डरा दिया भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? है ना, वो मतलब उधर से हम जा रहे थे यूं, तो तुम वो देख लिया, तो ऐसे तुम्हें मिलने की इच्छा हुई तो आ गए यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो है ना? तो मतलब घर के सारे काम तो तुम ही करती होगी है? जी हम ही करेंगे ना भैया, और कौन करेगा? सही तो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आधी बाल्टी कपड़े धोने हो तो कितना वॉशिंग पाउडर लगेगा? इतना भैया, इतना? अब मेरा मतलब इतना इतना आधा। पूरी बात तो सुन लीजिए भैया। अच्छा अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये बताओ अगर 1 किलो बैंगन का भरता बनाना हो तो कितने प्याज कटते हैं? बहुत सारे भैया। मेरा मतलब ये है कि जब मैं काटता हूँ, मेरा मतलब है जब मैं काटती हूँ तो मैं गिनती नहीं हूँ भैया। वो क्या है ना कि मेरी माँ ये कहती है कि गिनने से बरकत नहीं होती भैया। हाँ नहीं नहीं, इसकी माँ, इसकी मम्मी बोलती रहती है। नहीं ठीक है, बात सही है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, मुझे एक बात आओ, शिकाका ही होता ना जो, उससे अगर सर के बाल धोए तो क्या फायदा होता है? एक्सक्यूज मी शिकंजी, वो तो पीने के लिए होती है भैया। अरे आदमी जो मेरा मतलब है जो साहब जो है ना, शिकंजी की बात नहीं कर रहे हैं, शिकाकाई जो सर पे लगाते ना उसकी बात कर। ओ, जुए मारने वाली भैया। जी जी सही जवाब।
बिल्कुल सही जवाब, लॉक किया जाए। अरे सुनो, तुम्हारे साइज के ना मोजे बुनने हैं, जरा नाप दे दो। मेरे साइज के मोजे क्यों बुनोगे भैया? एक बात बताऊं? क्या? मैं मोजे पहनती ही नहीं हूँ। हथकड़ी तो पहनती है ना? नहीं भैया। पुष्पा, हथकड़ी बना ही जाए। पर क्यों भैया? मैंने किया क्या है भैया? हमें शक है कि तू लड़की नहीं लड़का है, जो भेष बदल के इस इलाके की लड़कियों को अगवा कर रहा है। और कुछ पूछना है? हैं? बोल बोल। जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप गलत बोल रहे हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैंने आपको बताया तो था, मैं इलायची की दोस्त हूँ, पंछी भैया। पंछी तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। पंछी कुछ दिन पिंजरे में रहेगा तो सब सच्चाई अपने मुंह से थर थर बोल डालेगा। है पुष्पा, चलो गिरफ्तार करो इसे। अरे भैया, अरे बहन ले जाओ। अरे बहन, अरे पंछी, चले मंगी थाने चलना है, मटर भी तो छीलने ना। श्रीमती जी को आज मटर पुलाव खाना है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल ना, इधर उधर मत दिखा कर तू ज्यादा। अरे यार, कहाँ रहेगी ये लड़की बिना? ओए, चल दिया। आउच, क्या हो गया यार, इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया मुझे तूने? सुनो, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया यार। तेरा मतलब है जीजा जी को सब कुछ पता लग गया? नहीं यार, उससे भी बुरा। हाँ, कहीं डर के मारे जीजा जी ने छत से कूद के खुदकुशी तो नहीं कर ली? रैप तो पड़ेगा ना, सारी बकवास बाहर आ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। हाँ, मतलब तेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने खुदकुशी कर ली? अरे सुनीता जी जिंदा है? अरे यार, मेरी मत चुप हो जा, मैं तुझे सच में ना छत से धक्का मार दूंगी। पंगा हो गया है यार, चीचा जी को पुलिस पकड़ के ले गई। मतलब विंटर अभी ठीक है? मेरा मतलब, ओ नो, कैसे, क्या हो गया? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यार, और ना हमें इस नाटक को अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा। पिंकी अंकल की लातों से बचाना पड़ेगा जीजा जी को, वरना वो जीजा जी को इतना मारेंगे ना कि उनकी शक्ल ही बर्बाद कर देंगे। और बिगड़ी हुई शक्ल वाले जीजा जी ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, सच्ची बता रही हूँ सुनो। हाँ यार, इलू सेल्फी। अच्छा बता ना, पिंटू भाभी कहाँ है? सुनो, समझ रही ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा बेटा, अबे इतना बड़ा झोल किया इन दोनों ने यार। पंचम को जल्दी से सब सच्चाई बतानी पड़ेगी, अब पुलिस से भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे का हारमोनियम बजा देंगे वो लोग। और सेठ जी, मेरे लहसुन का नुस्खा काम आया? अब रे लहसुन की चटनी बना ले, सड़ा हुआ नुस्खा था तेरा। ऐसे क्यों बोल रही तुम? अबे सुन, लहसुन जब सुंघाया ना सुनीता को, तो वो डरने की जगह जो है और फैल गई, और पूरा का पूरा लहसुन मेरे मुंह में ठूस दिया यार। तू भी ना बेकार की बात कर रहा है एकदम। अभी तक जो है अजीब अजीब सी खट्टी खट्टी टकारे आ रही है मुझे, और रात भर मैंने बाथरूम में छिपका काटी अपने, वो बता किसके साथ? हाँ। मेरा किराएदार लौंडा है ना, वो पंचम, उसके साथ। क्या बात कर रही सेठ जी, तुम्हारा बाथरूम में जाना तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन तुमने उस लौंडे को क्यों बुलाया ये समझ में ना आया मुझे। अरे वो मेरे बाथरूम में जो है अपने संगीत का रियाज करता है। बाथरूम में घुस के? तुम्हारी बात है सेठ जी, मेरे पल्ले ना पड़ रही ऐसे वो। अरे तू मेरी बेबी हो रखा है, इतना सवाल कर रहा मुझसे? यार सेठ जी, इतना काहे भड़क रहे तुम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। गर्दन ऐसी करो सीधी। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है? उधर मुकल ले, तेरे अलग राग है यार, इलायची की माला पहन ले ऐसे। ऐसे करो, मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मेरे मामा है तांत्रिक बहुत बड़े, भूतनी चुड़ैल इनका ऐसा निपटारा कर देते हैं बिल्कुल पानी की तरह। तो पार ना पा पाए वो? फिर तुम पे फालतू की बात है, तुम्हें फायदे की बात कर रहा हूँ मैं क्या कह रही हूँ? अगर तुम कहो
तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूं? ना ना ना, मुझे कोई उपाय ना करना है भैया, ये भूतनी ना 10 कदम आगे चलती है, और वैसे भी बचपन से जो है बहुत चंट दी है सुनीता। जी औरत की आत्माएं हैं, हमेशा 1 कदम आगे चलेंगी। हाँ भैया, सोने के झुमके तो देने ही पड़ेंगे। अब तो जब पता है ना कि भूतनी हो या औरत हो, हमारे मन की जो है जिद पूरी करवाती हैं, चैन से जीने का देती हैं ये। देखिए सेठ जी, मेरी एक बात समझ में जी ना आ रही, कि आखिर भूतनी सोने के झुमके का करेगी क्या? ना तो उसको किसी को पहन के जलाना है, भूतनी है, करेगी क्या वो? अरे मुझे क्या मालूम क्या करेगी क्या ना करेगी। क्या कह रहे तुम? अरे क्या करेगी क्या ना करेगी मुझे क्या मालूम। सोच लो सेठ जी, 2 तोले की बात है, जिंदगी भर लहंगे बेचोगे ना तुम दुकान में बैठ के? 2 तोले सोने बड़ी मुश्किल से आते हैं। सुन, मेरी चिंता ना हो रही तुझे, तुझे 2 तोले सोने के झुमके की चिंता हो रही है। अब तो जो है बस सोने के झुमके ही मेरी जान बचा पाएंगे। ये कितने रुपए मीटर लिया था ये यूनिफॉर्म का कपड़ा? पिंकी जी पूछ रहे हैं जी। 75 रुपीस पर मेरा भैया। अबे जनाब, केस के बारे में भी पूछताछ कर लो। मतलब अब तू बताएगा मुझे? है तू बताएगा मुझे पूछना क्या है? जिसको लोग की तक छोकना नहीं आता वो बताएगा? तू चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। सलाम, 50 रुपए मीटर चांदनी चौक में बिक रहा है कपड़ा? हाँ। तुमने भाव तोल किए बिना ले लिया 75 रुपए। मतलब कि मतलब ये हो रहा है कि तू लड़की नहीं हो सकता। ये कैसे सबूत है भैया? 1 घंटे से 100 ग्राम मटर ना छिले गए तुझसे? ये दूसरा सबूत है कि तू लड़की नहीं लड़का है। अंगीलाल जी सर, हवलदार पुष्पा को बुला, इसकी तलाशी ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।